दोस्तों जैसा कि हमेशा से मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, डोंट बी क्वालिफाइड बी एजुकेटेड, मतलब आप बहुत सारी डिग्रियां लेकर कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत सारी डिग्रियां आपके पास हो पर एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो किसी काम की वो डिग्रियां आपकी नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीचर्स जो होते हैं वो आधार होते हैं एजुकेशन सिस्टम का, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान जितने भी होते हैं वो सभी सहायक होते हैं किसी भी एजुकेशन को प्रदान करने में, उस टीचर को टीचर बनाने में। अब दोस्तों जितने भी संस्थान है एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी को खास करके जब आप टीचर बनना चाहते हैं, दोस्तों आप कोर्स करते हैं डीएड बीएड एमएड करना चाहते हैं या फिर बीपीएड करते हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हैं, इन सभी कोर्सेज को कराने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। बट इन सभी को एफिलिएट करता कौन है, इनको मान्यता देता कौन है और इनको मान्य संस्थान का दर्जा देता कौन है, वो है एनसीटीई। एनसीटीई ही चलाता है, रेगुलेट करता है जितने भी ये कोर्सेज चलाए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। एनसीटीई जो 1993 में बना और 1995 में सुचारू रूप से इसने काम करना शुरू कर दिया। आज अपने इस वीडियो में हम एनसीटीई के बारे में ही बात करेंगे, एनसीटी कब बना, किस तरह से एफिलिएट करता है कॉलेजेस को, कौन कौन से कॉलेजेस किस तरह से अप्रूवल लेते हैं, साथ में कहाँ है इसका हेड ऑफिस, कहाँ है इसकी जो रीजनल सेंटर्स बने हैं वो कहाँ पर है, कितनी सीट्स की मान्यता मिलती है एक बार में किसी भी कॉलेज को, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और आपको बताऊंगा कि अगर किसी कॉलेज की आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो कैसे आप कंप्लेंट करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए एनसीटीई के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। आप में से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूअर्स लगातार हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने बहुत कुछ जाना होगा अलग अलग कोर्सेज यूनिवर्सिटीज के बारे में, और साथ में जो काउंसिल्स पर हम वीडियो बनाते हैं उनके बारे में बहुत कुछ आपने जाना होगा। आज हम बात करेंगे एनसीटीई के बारे में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई 1993 का ये एक्ट है, साथ में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं एनसीटीई। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसके अंडर आते हैं, कोर्सेज जैसे कि सबसे पहले बीएड, क्योंकि बीएड के बारे में ही आप बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं। डीएलएड आता है, डीएड आता है, बीएलएड आता है, एमएड आता है, बीपीएड और साथ में ही एमपीएड भी आता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन भी ले लीजिए आप इसमें, या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज है जिसको करने के बाद आप टीचर बनने वाले हैं, वो सभी कोर्सेज एनसीटी के अंडर आते हैं। दोस्तों एनसीटी का काम क्या होता है, एनसीटी का काम होता है टीचर्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, साथ में ही कॉलेजेस की गुणवत्ता को चेक करना। क्योंकि हमारे देश में जितने भी काउंसिल्स बनी है अलग अलग, उन अलग अलग काउंसिल का अलग अलग कोर्सेज को देखना ही काम होता है। जिस तरह से एनसीटी का काम है एजुकेशन से रिलेटेड जो टीचर बनने वाले हैं, जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं, उन सभी को ध्यान से देखना। दोस्तों वैसे तो जो एनसीटी है, एनसीटी 1973 को ही बन गई थी, बट उस वक्त इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, जब तक किसी चीज को, किसी भी काउंसिल को या किसी भी एक्ट को या किसी भी रूल को संवैधानिक दर्जा जब तक नहीं मिलता है, तब तक वो एक्टिव नहीं होता, फोर्स में नहीं आ पाता। अब जब ये एक्ट आया 1993 में, पर तब भी ये एक्टिवेट नहीं हुआ, 1995 में जाकर सुचारू रूप से इसने काम करना शुरू कर दिया। अब बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ है। दोस्तों हेड ऑफिस से मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आप कोई भी कोर्स किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे हैं, वो परेशान करता है आपको। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंडर वो कॉलेजेस चलते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, अगर वो आपको परेशान करे तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे। हालांकि कॉलेज से कर रहे हो तो पहले कंप्लेंट करो उस यूनिवर्सिटी को जिससे वो एफिलिएटेड है, और साथ में ही एक कंप्लेंट एनसीटीई को जरूर भेजें आप। एनसीटीई को कंप्लेंट अगर आप भेजेंगे तो उस पर एक्शन होगा, पर आपकी कंप्लेंट में दम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसी साल 2022 में हजारों की तादाद की बात मैं कर रहा हूं, बहुत सारे कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी है एनसीटी ने। आपको भी कोई कॉलेज बहुत परेशान कर रहा है, उसके लगातार कंप्लेंट हो को आप एनसीटी को कंप्लेंट अगर नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम है, हमसे आप कॉन्टेक्ट करो। जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप कहोगे तो कोर्ट में भी हम आपकी मदद करेंगे, किस तरह से आप रिट लगा सकते हैं अगर आपको परेशान किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता आपके। आप आर्टिकल 19 और 21 जरूर पढ़ना, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में इंटरेस्ट
ट्रस्टेड है, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आर्टिकल 19 और 21 क्या बोलता है, बहुत कुछ समझ पाएंगे अपने अधिकारों को। आप किसी भी कॉलेज की कंप्लेंट पहले कहां करेंगे, पहले यूनिवर्सिटी में जहां से एफिलिएट वो कॉलेज करता है, और साथ में कंप्लेंट करें एनसीटीई को, और अपनी बात को पूरी तरह से रखें, पुरजोर तरीके से रखें अगर आप गलत नहीं है। यहीं पर मैं एनसीटी की बात करूं तो एनसीटी भी कोई इतना पाक साफ नहीं, दूध का धुला नहीं है। जितने भी कॉलेज चलते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी चलती है, धांधलेबाजी करते हैं, बहुत तरह के स्कैम करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। क्या इस बात को एनसीटी का नहीं पता? एनसीटी को सब कुछ पता है। क्या इस बात का एनसीटी को नहीं पता कि स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लगाते हैं, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं? क्या लेवल है उनका? आप अक्सर वीडियोस देखते होंगे किस तरह से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, वो खुद एजुकेटेड नहीं है, उसके एजुकेशन का लेवल क्या है, तो किस तरह की एजुकेशन देने वाला है वो अपकमिंग हमारी जनरेशन को। दोस्तों, मैं एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा इसके लिए पॉजिटिव हूँ कि एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं होता। बेशक एक बार के लिए आप खाना कम खाएं, अपने शौक ना करें, पर एजुकेशन पूरी लें, हमेशा पढ़ें। ऐसा मेरा कोई दिन नहीं जाता जब मैं डेली कम से कम 2 से 3 घंटे कुछ ना कुछ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा तो लॉ का फील्ड है, तो पढ़ना हमारे लिए वैसे ही बहुत जरूरी है। आप भी पढ़ा कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, जो एनसीटी का हेड ऑफिस है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो हेड ऑफिस है, वो है G7 Sector 10 द्वारका, दिल्ली। दिल्ली में ऑफिस है इसका, जो हेड ऑफिस है, साथ में ही 4 रीजनल सेंटर भी है। कहाँ कहाँ पर है ये? भोपाल, बेंगलोर, जयपुर और साथ में ही भुवनेश्वर। यहाँ 4 इसके रीजनल सेंटर भी है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ डिटेल मिल जाएगी, और अगर आप इन स्टेट से हैं तो वहां जाकर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यही बोलूंगा, प्रॉब्लम है, कॉलेज परेशान करता है, यूनिवर्सिटी परेशान करती है, सीधा लेटर कंप्लेंट का भेजिए एनसीटी को। और कभी इनके अगेंस्ट कोई केस करना हो तो पार्टी बनाइए एनसीटी को भी, स्टेट को भी, और साथ में कॉलेज को भी, और जिसको पार्टी बनाना है यूनिवर्सिटी को उसको भी। आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अक्सर हमारे तक प्रॉब्लम आती है, कॉलेज ने हमारी फीस बढ़ा दी, डॉक्यूमेंट वापस नहीं दे रहे, या एग्जाम्स में जब बैठे तो हमें वहां पर उसने एडमिट कार्ड नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फंडामेंटल आपका राइट है, कोई आपको एजुकेशन का अधिकार आपसे छीन नहीं सकता, आपको पता होना चाहिए। और जिस तरह से किसी भी बॉडीज का, किसी भी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका एक सेंटर पॉइंट होता है, वही एनसीटी का सेंटर पॉइंट दिल्ली है। आप दिल्ली आएंगे, हर तरह के इस तरह के सॉल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जितने भी कोर्सेज चलते हैं, डीएड चले, बीएड चले, एमएड कोर्सेज चले, या फिर बीपीएड, बीएड स्पेशल चले, सभी को एनसीटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी ये प्रोविजन है, अगर एनसीटी नहीं है तो आप कोर्स ना करें, और उस कोर्स के बारे में चेक जरूर कर लें कि मतलब ये कोर्स एफिलिएट है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसका कोर्ट में अभी केस पेंडिंग हो, डिसीजन आना पेंडिंग हो, और आपका एडमिशन भी ले लें। अगर ऐसा होता है तो उसकी भी आप कंप्लेंट करें, पर आप इस चीज को देख जरूर लें, और आप अपने आप को लापरवाह बिल्कुल भी ना बनाएं। कैसे चेक करेंगे कॉलेज आपका एनसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं? एनसीटी की साइट पर जाइए। एनसीटी के आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ मेंशन है कि कॉलेज वाइज कैसे आप चेक करेंगे। स्टेट वाइज पूरी लिस्ट है, उसके अंदर सभी कॉलेजेस की आप लिस्ट वहां जाके देख सकते हैं। टोटल कितने कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, किस किस स्टेट में, पूरी लिस्ट वहां पे अवेलेबल है। आप भी अपने स्टेट में कौन सा कॉलेज से आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप देखेंगे, इजीली डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। अब दोस्तों, साथ ही बात आती है कि एनसीटी का काम क्या है, एनसीटी किस तरह से काम करती है। एनसीटी का पहला काम ये होता है, जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो किसी भी वैलिड प्रोविजन के तहत, साथ में ही अंडर द लॉ, किस तरह का नियम और कानून है, उन सब का वो पालन करे कॉलेजेस, इसके ऊपर नजर और निगरानी रखना एनसीटी का ही काम है। साथ में दूसरा काम आता है कॉलेजेस पर नजर रखना, कहीं वो गलत तरह से कोई एक्टिविटी में संलग्न तो नहीं है, किसी तरह से कॉलेज इस तरह से एक्टिविटी में तो नहीं है कि कल एडमिशन होने के बाद में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हो जाए। और साथ में ही ये काम भी है एनसीटी का कि कॉलेजेस के गुणवत्ता को देखना और कॉलेजेस का असेसमेंट करना, पर क्या गुणवत्ता है और क्या क्वालिटी है, ये आप स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। आप हरियाणा में जाइए, यूपी में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं, कॉलेज का आपने हाल देखा होगा, एक दो ही टीचर बैठे हैं, 4-5 बदबूदार उसमें कमरे होते हैं, क्लासेस कभी वहां लगती नहीं है, और सिर्फ आप जाएंगे, एडमिशन होगा, सिर्फ एग्जाम के लिए बुलाएंगे, क्लासेस के नाम पर तो सिर्फ वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि क्लास कभी कभी चलती है। तो कैसे असेसमेंट होता है, कैसे अप्रूवल मिलता है, किस तरह से इनकी वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन होते हैं, ये तो एनसीटी ही जाने। पर आपका भी कॉलेज अगर ऐसा ही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना आप जरूर कि आपने किस ऐसे कॉलेज से कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, या फिर कौन सा कॉलेज आपको भी मिल रहा था। अरे, नॉन अटेंडिंग का भी कॉलेज अगर अलॉट करते हैं ये लोग, मिल जाता है नॉन अटेंडिंग कॉलेज, कम से कम उस कॉलेज में ऐसा तो हो कि कभी आप चाहो तो क्लासेस लगा सको, कुछ तो क्लासेस चले। वहां पर क्लासेस के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड होता है, 2-3 टीचर होते हैं और होता कुछ नहीं है। मैं एनसीटी का फॉल्ट नहीं निकालता, बट कॉलेजेस की जो कंडीशन है, जो हालात है, वो ऐसे ही है। साथ में एनसीटी
काम होता है सिलेबस को सेट करना, बताना क्या सिलेबस है। हालांकि उस सिलेबस को सेट एक यूनिवर्सिटी खुद भी कर सकती है, अगर वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो खुद का सिलेबस सेट करती है। यहाँ आपको समझने की जरूरत है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद सिलेबस सेट करती है, साथ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी खुद सिलेबस सेट कर रही है, और यह अंतर बहुत बड़ा है। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर देखा जाए तो 1000 कॉलेज चल रहे हैं या 500 कॉलेज चल रहे हैं। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये कॉलेज नहीं चला सकती, किसी को एफिलिएशन नहीं दे सकती है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक कॉलेज चल रहा होगा किसी नाम से, जो इस यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज होता है। अब अंतर क्या होता है, अंतर जमीन आसमान का है, बहुत बड़ा अंतर है। जो प्राइवेट जो कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 100 के 100 का सिलेबस सेट खुद करेंगे, एग्जाम बॉडी वो खुद है, एग्जाम्स खुद कराएंगे और साथ में ही सीट्स भी खुद चेक करेंगे, किसको पास करना है, किसको फेल करना है, किसको कितने अच्छे मार्क्स देने हैं, किसको नहीं देने, सब कुछ इस प्राइवेट बॉडी के हाथ में होता है, जो कि सिस्टम ठीक नहीं है हमारे एजुकेशन की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। हम बात करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंडर 500-700 कॉलेजेस चल रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सिलेबस तो यही सेट करेंगे, साथ में एग्जाम्स भी यही लोग चेक करेंगे। जो प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस इनके अंडर आते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज इनके अंडर आते हैं, उनको किसी भी तरह से सिलेबस सेट करने का या एग्जाम्स कंडक्ट कराने का मतलब अपने हिसाब से वही हिसाब चलेगा जो यूनिवर्सिटी का हिसाब है, साथ में फ्लैंक्स भी आती है और आंसर शीट सारी इकट्ठी कर भेज दी जाती है यूनिवर्सिटी को। फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है वो पेपर्स चेक करते हैं, मार्किंग करती है, तो दोनों को लेवल को अगर हम चेक करें, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का होना भी बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में। सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटीज बनती गई, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसा हाल कर दिया एजुकेशन सिस्टम का, मैं सबको नहीं बोलता बट हाँ बहुत सारी, एक बड़ा नंबर है ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो ऐसा ही चलता है और एनसीटी उन पर ध्यान नहीं देती, नकेल नहीं कसती है ऐसे कॉलेजेस पर। और दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ में जो दादागिरी होती है, फीस को बढ़ा देना, कम फीस पे एडमिशन लेना, बाद में टॉर्चर करना या ब्लैकमेलिंग करना, एडमिट कार्ड ना देना या फिर पास हो गए तो मार्कशीट्स ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में जो अक्सर हमें व्हाट्सएप करते हैं। ऐसी कोई समस्या किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर अगर आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कोशिश करेंगे उस पर डिटेल वीडियो बनाने की, अगर उस पर और भी कंप्लेंट्स हमारे पास आई है उस कॉलेज को लेकर। तो अब दोस्तों अप्रूवल कैसे मिलता है, जब भी कोई अप्रूवल मिलता है किसी भी कॉलेज को कैसे मिलता है, कैसे कॉलेज बनता है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं, आप कॉलेज खोलना चाहते हैं बनाएंगे उस पर भी हम लोग वीडियो। बट किसी भी कॉलेज को 100 सीट का पहले अप्रूवल मिलता है, 100 सीट को वो कंटिन्यू करते हैं एनसीटी का अप्रूवल मिलने के बाद में, और हर साल उसको रिन्यू भी कराना होता है, पर जरूरी नहीं कि हर साल रिन्यू कराएं, कुछ कॉलेजेस को 3-5 साल का अप्रूवल एक साथ मिल जाता है तो लगातार वो कोर्सेज चलाते रहते हैं। हर साल अपनी लिस्ट को सबमिट करना मैंडेटरी होता है वैसे तो, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं सबमिट करती हर साल की अपनी लिस्ट, पर वो किस तरह से और कैसे हम लिस्ट को सबमिट करते हैं इस पर हम डिटेल कभी वीडियो बनाएंगे, किस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएड का सिस्टम चलता है। पर गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं, टाइमली एग्जाम्स होंगे, टाइमली एडमिशन होंगे, टाइमली रिजल्ट आएगा, सब कुछ टाइमली चलता है, तो मेरा मानना तो यही है, जस्ट यही बोलता है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बाद में आपको सोचना चाहिए जब आपका नंबर ना आए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, हम इंतजार रहेगा आपके सवाल का। और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर क्या वीडियो चाहते हैं, किस काउंसिल पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ।